हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बियॉन्ड क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन कश्मीर डिवीजन पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपसे कहा था कि इस टॉपिक को हम जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, इसको हम तीन वीडियोज में डिवाइड करेंगे। पहली है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू डिवीजन, दूसरी ये वाली है। इन दोनों में हमने कोई भी रिलीजियस प्लेस जैसे मॉस्क्स है, टेम्पल है या श्राइन्स है, किसी को भी इंक्लूड नहीं किया है। हम वो तीसरी वीडियो है जो इसके बाद आएगी उसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि जो रिलीजियस प्लेसेस की अलग एक वीडियो बनेगी उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी और आपको याद रखने में आसानी होगी। इस वीडियो में हमने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जो लेक्स वगैरह आते हैं, वो भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो हम दूसरी वीडियो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर है उधर इंक्लूड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कश्मीर के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमने इनको कैटेगराइज किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, ताकि आपको आसानी रहेगी। तो पहले हमने अनंतनाग के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इंक्लूड किया है, जिसमें पहला है अचबल, जिसको कश्मीरी में अचबल भी बोलते हैं। ये अनंतनाग में है और 9 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से। ठीक है, जो अचबल है वो सबसे मशहूर है अपने स्प्रिंग के लिए, जिसको कश्मीरी में नाग भी बोलते हैं, और इसके इर्द गिर्द एक गार्डन भी बनाया गया है जो मुगल्स ने बनाया है। ठीक है, जो अचबल का जो गार्डन है, उसका जो ऊपरी एरिया है, जो अपर पोर्शन है, उसको हम बाग बेगम भी बोलते हैं, जो नूर जहां, जो वाइफ थी जहांगीर की, उन्होंने डेवलप किया है, तभी इसको साहिब आबाद भी बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रिंगी नाला है वो सोर्स माना जाता है, सराहना माना जाता है इस स्प्रिंग का। जो अचबल का स्प्रिंग है वो उसका सोर्स कौन सा है? ब्रिंगी नाला। ठीक है, वहां पे एक मस्जिद भी है, मॉस्क भी है गार्डन में, जो माना जाता है कि दारा शिकोह, जो बड़े बेटे थे शाहजहां के, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो दूसरा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है वो कोकरनाग है। ये ब्रेंग एरिया में है। ब्रेंग एरिया जो है उसको गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी बुलाया जाता है। जो कोकरनाग है वो कश्मीर का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर स्प्रिंग है, और जो एशिया का लार्जेस्ट फिशरीज फॉर्म है, जहां पे हम फिशेस को रेयर करते हैं, वो वहां पे पाया जाता है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट फिशेस जो है वो वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, कोकरनाग में गार्डन भी है, टेरेस गार्डन है। टेरेस गार्डन का मतलब है कि सतह सतह वाला गार्डन है, लेयर्ड गार्डन है, जिसको डेवलप किया गया था गुलाम बख्शी मोहम्मद की दौरे हुकूमत में। ठीक है, ये जो है कोकरनाग, ये 25 किलोमीटर्स है अनंतनाग से दूर, और ये किस नेशनल हाईवे पे है? NH-244 नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है। पहला रूरल मार्ट जो है वो, जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, वो कोकरनाग में बनाया गया था। ये रूरल मार्ट क्या था? ये मार्केट स्पेस प्रोवाइड करती है उन औरतों के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, छोटे छोटे बिजनेसेस करती है, उनके लिए। तो पहला जो रूरल मार्ट था वो कोकरनाग में एस्टैब्लिश किया गया था। फिर आता है पहलगाम, जो सबका पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसका लिटरल मतलब वैली ऑफ शेफर्ड्स है। ठीक है, एक हिल स्टेशन है जो 48 किलोमीटर्स है दूर अनंतनाग से, और ये कहाँ वाका है? लिदर रिवर पे। ठीक है, इसका जो असली नाम था, ओरिजिनल नाम था, वो बेलगांव था। जब अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो पहलगाम से पहले जो चंदनवारी एरिया आता है, वो बेस कैंप या स्टार्टिंग पॉइंट है अमरनाथ यात्रा के लिए, तो वो भी पहलगाम में ही आता है। जो मेन अट्रैक्शंस, जो देखने की जगहें हैं पहलगाम में, वो है बेताब वैली। बेताब वैली को इसलिए बेताब वैली कहा जाता है क्योंकि जो बेताब मूवी थी उसकी शूटिंग वहीं पे हुई थी, तो उसका नाम बेताब वैली पड़ा था। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है। ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो दो गाँव के बीच में पड़ती है। एक गाँव का नाम ओवेरा है और दूसरे गाँव का नाम आरू है, इसलिए इसको ओवेरा आरू बोलते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है वो वेरीनाग है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, यानी नाग है। झेलम, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका जो सोर्स है, जहां से ऑरिजिनेट होती है, वो वेरीनाग माना जाता है। ये बानीहाल विसिनिटी में लोकेटेड है और 26 किलोमीटर्स अनंतनाग से दूर है। ठीक है, जब हम जम्मू से कश्मीर जाते हैं बाय रोड, तो पहला जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आता है वो वेरीनाग है। ये जो स्प्रिंग है, इसके इर्द गिर्द एक ऑक्टागोनल स्टोन बेसन बनाई गई है, 8 मुंह वाली बेसन बनाई गई है, जिसको कश्मीरी में सांदर भी बोलते हैं। वो बनाया गया है मुगल एम्परर शाहजहां ने 1620 में। वहां पे एक गार्डन भी बनाया गया है। वेरीनाग के साइड में एक गार्डन भी है जो उसके बेटे शाहजहां ने बनाया था। ये जो स्प्रिंग है और जो इसके इर्द गिर्द जो बेसन बनाई गई थी मुगल्स ने, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब आते हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे। पहला इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो दूध पथरी है, जिसको वैली ऑफ मिल्क भी बोला जाता है। ये बीरवा एरिया में पड़ता है बडगाम डिस्ट्रिक्ट के, और ये लोकेटेड है शाली गंगा नाला के बैंक्स पे। दूध पथरी जो है वो बोल शेप्ड वैली है पीर पंजाल रेंज में। ये जो पीर पंजाल रेंज है वहां पे एक बोल जैसा एरिया है, स्कूप्ड जैसा एरिया है, वैली है, वहां पे जो जगह है वो दूध पथरी है। ठीक है, ये 22 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से। और जो ये अल्पाइन वैली है, अल्पाइन का मतलब पहाड़ों वाली जगह है, जो कश्मीर के जो माने जाने पेड़ है वहां पे पाए जाते हैं, जिसमें पाइन, फर और देवदार आते हैं, वो दूध पथरी में अबंडेंस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब है तोश मैदान। ये एक मीडो है, चरागा है, जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये 10 किलोमीटर दूर है खाग तहसील से। ये तोश मैदान जो है वो एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ कश्मीर तक ही सिर्फ महदूद नहीं थी, बल्कि आसपास के जो कंट्रीज के जो शेफर्ड्स थे, चरवाहे थे, वो अपने मवेशियों को वहां चरवाने भी कभी कभी लाया करते थे। जो मुगल्स थे, मुगल एम्परर्स थे, वो इस जगह को एज अ रूट लेते थे। चीनामर्ग गली जिसको हम बोलते हैं, वहां से जाते थे ताकि वो कश्मीर से पूंछ तक पहुंच सके। और वहां पे माना जाता है कि मुगल्स ने एक 7 स्टोरी 7 मंजिला इमारत भी बनाई थी, जिसका नाम दमदम रखा गया था। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी और रणजीत सिंह है, उन्होंने इसी जगह से कश्मीर पे 2 बार अटैक करने की कोशिश की थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन वहीं इसी रूट से इन्वेड या अटैक करने की कोशिश की थी कश्मीर को। जो लास्ट का टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो यूसमर्ग है, जिसको मीडो ऑफ जीसस भी बोलते हैं। यूसमर्ग जो है वो भी एक मीडो है, चरागा है, जो दूध गंगा रिवर जो है उसके बैंक्स पे पड़ता है। दूध गंगा रिवर जो है वो वहां से बहता है और ये पीर पंजाल माउंटेन्स के आसपास लोकेटेड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां से हम संगे सफेद वैली पहुंचते और नीलनाग जो है यहीं से हम रास्ता निकालते हैं नीलनाग पहुंचने के लिए। ये 13 किलोमीटर रार शरीफ से दूर है। अब हम कश्मीर डिवीजन के जो श्रीनगर कैपिटल है उसके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे पहुंचते हैं। श्रीनगर में जो पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है चश्माशाही, जिसको रॉयल स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक मुगल गार्डन है जिसको 1632 में बनाया गया था अली मर्दान खान ने, जो गवर्नर था शाहजहां का। शाहजहां ने ये इनसे बनवाया था ताकि वो अपने बेटे को ये गिफ्ट दे सके, बेटा जो दारा शिकोह थे, उनके एल्डेस्ट सन थे, उनको गिफ्ट कर सके। 3 गार्डन्स में से जो बहुत फेमस है उनमें से ये सबसे छोटा मुगल गार्डन है, जो जबरवन पहाड़ी है वहां पे लोकेटेड है। चश्मशाही जो है वो स्प्रिंग है, एक नाग है जो पहले डिस्कवर किया था, जो पंडित फीमेल सेंट थी उन्होंने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था रूपा भवानी। इसको इसीलिए पहले जमाने में चश्मशाही भी बुलाया करते थे। ठीक है, फिर आता है निशात गार्डन, जिसको गार्डन ऑफ जॉय, जो इसका लिटरल मतलब है उसका गार्डन ऑफ जॉय बोलते हैं। ठीक है, ये मुगल गार्डन्स बहुत मशहूर एक मुगल गार्डन है जो डल लेक के किनारे पे लोकेटेड है। ये किसने बनवाया था? ये आसिफ खान ने बनवाया था, जो नूर जहां, जो मुगल एम्परर जहांगीर की वाइफ थी, उनके बाई ने बनवाया था 1633 में। और ये जो है सबसे बड़ा मुगल गार्डन, जो 3 मुगल गार्डन है चश्मशाही, निशात, शालीमार, उसमें जो निशात है वो सबसे बड़ा मुगल गार्डन है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि सबसे बड़ा मुगल गार्डन जो है वो कौन सा है। हमने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे सोर्सेस चेक किए और सब में कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे। विकिपीडिया पे क्लियरली नहीं लिखा था कि कौन सा बड़ा है और विकिपीडिया पे ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते, तो हमने श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल साइट है srinagar.nic.in, वहां पे भी चेक किया, बट उधर भी क्लियरली कुछ लिखा नहीं था। ठीक है, फिर हम जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो जेके टूरिज्म की खुद की ऑफिशियल साइट है, वो चेक किया, तो वहां पे एक पैराग्राफ में लिख के था कि निशात सबसे बड़ा मुगल गार्डन है, और दूसरे ही पैराग्राफ में उसी पेज पे लिख के था कि शालीमार सबसे बड़ा गार्डन है। तो हमने और फिर ज्यादा रिसर्च की, फाइनली हमने यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है उसकी साइट पे चेक किया तो वहां पे देखा तो निशात का साइज शालीमार से ज्यादा आ रहा था। अगर आप खुद भी चेक करना चाहेंगे तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है ताकि आप खुद भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ज़ोहरा बेगम जो डॉटर ऑफ आलमगीर जो 14th मुगल एम्परर हैं, उनकी जो बेटी है ज़ोहरा बेगम वहां पे दफन है। और जो गार्डन है वो 12 लेयर्स में इन्होंने बनाया है। ठीक है, फिर हमारे पास जो थर्ड इम्पोर्टेंट मुगल गार्डन आता है जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो है शालीमार गार्डन, जिसको हम क्राउन ऑफ कश्मीर भी बुलाते हैं। ठीक है, ये जो मुगल गार्डन है ये मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूर जहां के लिए 1690 में। और जहांगीर शालीमार गार्डन को फराबख्श के नाम से पुकारा करते थे। जफर खान जो उस टाइम के गवर्नर थे कश्मीर के, वो इस गार्डन को शालीमार गार्डन को फैज बख्श के नाम से बुलाते थे। ये जो गार्डन है ये 3 टेरेसेस में डिवाइड किया गया है और जो इन टेरेसेस में जो पानी चलता है वो शाहनहर नाला से चलता है। ठीक है, फिर आते हैं हम ट्यूलिप गार्डन पे। ये भी श्रीनगर का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका पूरा नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। ये जो जबरवन रेंज है उसके किनारे पे बनाया गया है। एक बहुत बड़ा गार्डन है जो 30 हेक्टेयर्स पे बनाया गया है और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। इसका पहला नाम जो था वो मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर था। 2007 में इसको इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हमारा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है परी महल। जो नाम ही इसका बताता है वो पैलेस ऑफ फेरीज है, परियों का महल है। ठीक है, ये एक 7 टेरेस्ड गार्डन है, 7 लेयर्स में बनाया गया गार्डन है जो जबरवन माउंटेन्स के रेंज में आता है। ये मुगल एम्परर शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाया था। इसको यूज करते थे दारा शिकोह जो इनके बड़े बेटे थे एज अ लाइब्रेरी और वहां पे वो रहते भी थे इन 1600s में। ठीक है, इसको ऑब्जर्वेटरी भी यूज करते थे और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के लिए पढ़ाने के लिए भी यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है हारी पर्वत, जिसको कोहे मारां भी बोलते हैं। कोहे मारां का जो लिटरल मीनिंग है वो है माउंटेन ऑफ सर्पेंट्स, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा सांप पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो प्रद्युमन पीठ भी है और ये डल लेक के वेस्ट में लोकेटेड है। जो पहला अटेम्प्ट था इसको फोर्टिफिकेशन करने का वो मुगल एम्परर अकबर ने किया था इन 1590। जो आउटर वॉल है जो इस एरिया का, जिसको हम कश्मीरी में कलाई भी बोलते हैं, वो मुगल एम्परर अकबर ने बनाया था अपनी नई कैपिटल बनाने के लिए, जिसका नाम उन्होंने रखा था नागर नगर, लेकिन वो बनाई नहीं गई। लेकिन जो प्रेजेंट फोर्ट है, जो असली फोर्ट यहाँ पे इस हिल पे बनाया गया है, वो किसके दौरे हुकूमत में बनाया गया था? शुजा शाह दुरानी, इसलिए कभी कभी इसको दुरानी फोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो मेन देखने की जगहें हैं हारी पर्वत फोर्ट के आसपास वो है मखदूम साहब का श्राइन, शारे का टेम्पल जिसको शक्ति टेम्पल भी बोलते हैं, और छठी पातशाही है, वो एक गुरुद्वारा है। माना जाता है कि यहाँ पे गुरु हरगोबिंद सिंह कुछ दिन के लिए रहने आए थे, इसलिए ये सिख कम्युनिटी में सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, जो इस वॉल के अंदर जो नागर नगर उन्होंने बनाना चाहा था कैपिटल, जो इसका मेन एंट्रेंस है उसको हम काठी दरवाजा के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं गुलमर्ग में, जिसको हम मीडो ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। गुलमर्ग जो है वो हिमालय के पीर पंजाल रेंज में है। ये एक हिल स्टेशन भी है, स्कीइंग रिजॉर्ट भी है, जहाँ पे लोग दूर दूर से, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है ये स्कीइंग रिजॉर्ट है, स्कीइंग डेस्टिनेशन है, और वहाँ पे जो है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, गुलमर्ग जो है उसका पहला नाम जो था वो गोरीमर्ग था और जो कश्मीर के राजा थे यूसुफ शाह चक, उन्होंने गोरीमर्ग से गुलमर्ग नाम इनका चेंज किया था। दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है वो भी गुलमर्ग में ही पाया जाता है। ठीक है, जो ही हम गुलमर्ग पहुंचते हैं तो वहां पे हम देखते हैं एक टेम्पल है जिसको महारानी टेम्पल बोलते हैं, वो शिव टेम्पल है गुलमर्ग का, जो हरी सिंह ने अपनी वाइफ महारानी मोहिनीबाई के लिए बनवाया था। वहां पे एक चर्च भी है जिसको सेंट मैरीज चर्च बोलते हैं। गुलमर्ग गंडोलाज के लिए बहुत फेमस है। जो गंडोला रोपवे है वो फ्रेंच कंपनी ने बनाई थी जिसका नाम है पोमागाल्स्की, जो गुलमर्ग से अपरवट पीक तक लोगों को पहुंचाती है। ठीक है, बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है वो देखने की जो जगहें हैं गुलमर्ग के आसपास वो है स्ट्रॉबेरी वैली, लेपर्ड वैली, कंगडोरी, जो पहला स्टॉप है गंडोला राइड का कंगडोरी जिसको बोलते हैं, अपरवट पीक है, खिलमर्ग है, बाबा ऋषि श्राइन है, टंगमर्ग है, अल्पत्थर लेक जिसको फ्रोजन लेक भी बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा जो है जमी रहती है इसलिए इसको अल्पत्थर लेक बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है सोनमर्ग। सोनमर्ग को मीरो ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। ये एक चरागाह है, हिल स्टेशन है जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नाला सिंध रिवर जो है वो वहां से बहती है, ठीक है। और ये फेमस है अपने स्नो ट्राउट के लिए। जो स्नो ट्राउट है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्नो ट्राउट कहाँ पाया जाता है। ये नाला सिंध में पाया जाता है जो सोनमर्ग से बहती है, ठीक है। ये 80 किलोमीटर्स है श्रीनगर से, नॉर्थ ईस्ट के साइड पे पड़ती है श्रीनगर से। वहां पे जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स है, कोलहाई ग्लेशियर और मुछाई ग्लेशियर्स, वो सोनमर्ग के साइड में ही पाया जाता है। जो सोनमर्ग है वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है, क्योंकि जो कश्मीर से तिब्बत जाने वाला रास्ता था, जिसको हम सिल्क रूट भी बोलते हैं, वो सोनमर्ग से ही जाता है, ठीक है। सोनमर्ग से जो आगे सोनमर्ग के एरिया में जो भी देखने वाली अट्रैक्शंस हैं, उनमें से थजबस ग्लेशियर, जोजिला पास जिसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोलते हैं, और नीलग्रद लेक जो है वो देखने की चीजें हैं। सोनमर्ग से जो है वो 3 सिस्टर रिवर्स निकलती हैं, जिसमें लिदर, सिंध और नीलम रिवर्स जो है वो निकलती हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल गुजरती हैं, और जो मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। सोनमर्ग से हम वैष्णर लेक, कृष्णसर लेक, गंगाबल लेक और गदसर लेक के लिए भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। वहां से ही इन सारी जगहों की ट्रैकिंग रूट भी है, ठीक है। लास्ट पे आता है अहरबल, जिसको नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। ये एक वाटरफॉल है जो 25 मीटर्स लंबा वाटरफॉल है। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। वेश्य रिवर पे लोकेटेड है, जो एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर्स के लिए। तो ये थे कश्मीर डिवीजन्स के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो है जो टेम्पल्स, श्राइन्स, जो रिलीजियस प्लेसेस है उस पे बन जाएगी। अकाउंटेंसी सीरीज भी हम साइमल्टेनियसली इस चैनल पे पोस्ट करते रहे, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।